हमारे लोग कुछ उधर चले गए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के भी खिलाफ चले गए थे, जंगल में लकड़ियां काटने वाली कुल्हाड़ी का साथ जंगल के लकड़ियों ने इसलिए दे दिया कि उनको किसी ने समझा दिया कि इस कुल्हाड़ी की जो मूठ है उसमें लकड़ी तो हमारे आपके बीच की है, और लकड़ियां जंगल में कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई, जंगल तबाह हो गया, लकड़ियों को अपना वजूद बचाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे आपके बीच के कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम वहां जाकर ले रहे हैं जहां डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत तबाह किया जाए, वो काम हो रहा है। उन कुल्हाड़ी में लगी मूठों को पहचानिए, सारे जय भीम बोलने वाले आपके अपने लोग नहीं है। तो वो जो लड़ाई मंडल आंदोलन की शुरू हुई, उस लड़ाई में सैकड़ों रैलियां करने वाला एक नेता जो दलित समाज से आता था, जिसे दलितों के लिए लड़ना था, लेकिन आपकी परिभाषा में वो दलित का नेता नहीं, वो बहुजनों का 85% लोगों का नेता था, उसने मंडल आंदोलन को लागू करने के लिए नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। एक जमाने में समाजवादी नेताओं के साथ वो जो नेता पूरे आंदोलन कर रहा था देश में, उसका नाम था माननीय कांशीराम, तब जाकर के बहुजन एका बनी और उन्होंने मंडल की लड़ाई लड़ी। तो एक एका तो हमारे दौर में लगातार बनती रही है। हमारा इतिहास हमें पढ़ने नहीं दिया गया, केवल ओबीसी के साथ यही दिक्कत है। ओबीसी को पता ही नहीं लगने दिया गया कि शिवदयाल सिंह चौरसिया नाम के एक जो शख्स थे, उन्होंने जब 1930-35-40 के आसपास ओबीसी के लोगों, ध्यान से समझिएगा, हालांकि यहाँ कम होंगे लेकिन होंगे, जो जागरूक ओबीसी है वो यहाँ होगा। ऐसा नहीं है कि सारा ओबीसी कांवड़ लेके जा रहा है, कुछ ओबीसी पेरियाल ललित सिंह यादव को भी याद कर रहा है, आपके सामने खड़ा है, इस मंच पर भी खड़ा है। बस एक गुजारिश करूंगा, जो ज्यादा समझदार बच्चा हो जाए तो कमजोर बच्चे का मजाक बनाना अगर शुरू कर दे तो कमजोर बच्चे का समझदार बन पाएगा क्या? क्या उसको चढ़ाने लगे कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो सब आता है, क्या वो सीख पाएगा क्या? घर में अगर एक बच्चा कमजोर पैदा हो जाए तो माँ बाप और उसकी रखवारी करते हैं और उसकी केयर करते हैं, ताकि इसके साथ ये महसूस न हो कि यहीं से कमजोर है, एक बराबरी का बच्चा बनता है। सर ये बेटी किसी की है, जरा अनाउंस करो। तुम अपना नाम बताओ बेटा। अमारिया। ये अमारिया बेटी किसी की है, मंच के करीब आ गई है, प्लीज इसको ले जाया करके, परेशान है, रो रही है, मम्मी इसकी आ रही है। सर सर ये बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन इसको बिछड़ के पता चल गया, मंच पर आ गई, बहुत आगे जाएगी, देखिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं इसको। आइए, तो मैं जो बात कह रहा था कि जो बच्चा घर में कमजोर हो जाए उसे चिढ़ाते तो नहीं, उसका मजाक तो नहीं बनाते, एक अपील करने आया हूं आपसे। जो नासमझ हो जाए उसको समझाना पड़ता है, उसे प्रेम से समझाइए। नहीं तो एक बात बताइए, जितने लोग बाबा साहब के वारिस अपने को मानते हैं, इस पंडाल में भी बैठे होंगे, अगर बगर नजर दौड़ाइएगा, जोर से जय भीम बोलेंगे और हाथ में कलावा बांधे होंगे, खोजिए उनको, चुरकी रखाए होंगे, बाबा साहब के असल वारिस होंगे, तो ये कैसे हो रहा है भाई? बहुत लोगों के घर में चुपके से बिना बताए चले जाइए, एकाध तस्वीर तो देवी देवता की मिल ही जाएगी, अभी शुरुआत है, तो क्या आप उसका मजाक बनाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे आपके बीच का कोई व्यक्ति है तो उसको अपमानित महसूस मत कराइए कभी, उसे प्रेम से समझाइए कि ये जो हाथ में तुमने बांधा है ये गुलामी की बेड़ी है, धीरे धीरे समझाते समझाते एक दिन अपने आप जब वो बेड़ी काटेगा तब समझिए वो आपके साथ जुड़ गया। आप जबरदस्ती कंची लेके मत घूमिए, इसको काट दे उसको काट दे, भाई प्रेम का काम कठिन होता है, नफरत का काम आसान होता है। चार लोगों को एक घर में जुटा दीजिए, वहां पर लड़ाई हो जाएगी 2 मिनट में, प्रेम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पहाड़ पर चढ़ने में ताकत लगती है, लुढ़कने में कोई मेहनत नहीं लगती, बात ये समझ में आ जाए। तो चिढ़ाइएगा मत किसी को, बाबा साहब भी चिढ़ाए नहीं, हाँ चिढ़ाने का काम थोड़ा बहुत किया था तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था, महात्मा फूले ने किया। कैसे चिढ़ाया एक आदमी, और क्या चिढ़ाया, कहा कि तुम सब मानसिक गुलाम हो, अगर 4 मुंह था ब्रह्मा के
तो किस मुंह से मां का स्तनपान करता था? यह सवाल पूछने वाले मसीहा का नाम क्या है? ज्योतिबा फूले। उन्होंने कहा कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है? उसका नाम था ज्योतिबा फूले। कठिन सवाल है ना। आज उत्तर प्रदेश में जब ये बात कही जा रही है तो मैं तो भाई ये डर रहा हूं कि आज ये आयोजन हो और कल को कुछ लोग यहां पर भी आके बुलडोजर चलाने लगे कि यहां धर्म के खिलाफ खा गया है, हम इसके खिलाफ जाएंगे। आजकल तो ऐसा माहौल बन गया, भारत का संविधान बुलडोजर के आगे जमींदोज हो रहा है। पहचान सकिएगा तो पहचानिएगा उस बुलडोजर के नीचे कौन लोग कुचले जा रहे हैं। हम, आप और हमारे बीच के कुछ लोग होंगे, पहचानने का वक्त है। लेकिन ज्योतिबा फूले ने लाग लपेट तो नहीं किया, उन्होंने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी पीढ़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। उस किताब का नाम था गुलामगिरी। इसलिए महात्मा फूले से डॉक्टर अंबेडकर कभी मिल नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना वैचारिक गुरु बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को, दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर को, और पहला गुरु बनाया था तथागत बुद्ध को। तीनों से नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हूं तो इन सब की वजह से हूं। इन तीनों में कोई दलित नहीं था, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को 90 के बाद भी कोशिश की गई कि देश को समझाया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं। ये ओबीसी की गलती नहीं है कि उसको नहीं लगता है कि उसके डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। ओबीसी को तो पता ही नहीं कि उसका अपना है कौन, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से वंचना का शिकार नहीं था जो इस देश का दलित समाज था। सदियों सदियों जिन दलितों को मनुष्य नहीं समझा गया, उन्हें इंसान होने की बुनियादी जगह नहीं मिली, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत पीड़ा और अपमान सहा है तब से लेके अब तक। धीरे धीरे वो पीड़ा और अपमान इतना सहते गए कि जब उन्हें अपना मसीहा नजर आया तो उसे दिल में बसाकर ताकत से खड़े हो गए, जाग गए, और आज देश के कोने कोने में 14 अप्रैल को लाखों लाख लोगों ने अपने मसीहा का जन्मदिन मनाया है। वो क्रांति का दिन है, मगर मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। एक बात बताऊं, होली दिवाली आती है तो कैमरा लेकर सब मार्केट में घूमते हैं कि पूरा देश उत्सव मना रहा है, होली आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, नया नया एक पर्व आया है, महिलाएं बैठी हुई इतनी बड़ी तादाद में, कड़वा चौथ में उसको कहता हूं। रोज दिखाएंगे कि देखो ये सिनेमा का व्यक्ति है, ये कड़वा चौथ मना रहा है, ये मना रहे, पूरे माहौल बनाया जाता है, उत्सव मनाया जा रहा है। इस देश में मेरा अंदाजा है कि लाख जगहों से भी ज्यादा जगह पर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस देश में एक भी मीडिया ऐसा बताइए जिसने दिखाया हो कि पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। और केवल 14 अप्रैल को नहीं, पूरे अप्रैल से शुरू होकर आज 24 अप्रैल को भी मना रहा है बाबा साहब की जयंती। कोई मीडिया आपकी बात दिखाने वाला नहीं। देश किसका है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इस देश में वो लोग क्या देश के नागरिक नहीं है जो बाबा साहब को अपना मानते हैं? छोटे छोटे सवाल है मेरे। और ये अप्रैल, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जयंती का माह है, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल बीपी मंडल का भी दिन है, ये एक बहुजन एका का सप्ताह ही है, महीना ही है। और हम आप सोचते हैं कि हम आप एक नहीं होंगे? थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम एक हो जाएंगे। समझा के एक होंगे, प्रेम से एक होंगे, एक दूसरे से संवाद करके होंगे। नहीं एक हुए तो उधर वाले इतनी लाठी मारेंगे कि मजबूरी में एक होना पड़ेगा, और लाठी पड़ रही है। अब आइए, बाबा साहब ने महिलाओं की बात की, ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की बात की। इस मंच पर सुनीता बौद्ध जी बैठी हुई हैं। मैं जब इनसे रास्ते में आते हुए बात कर रहा था तो जो संघर्ष इन्होंने किया है, इन जैसे तमाम लोगों ने किया, जय भीम बोलने पर किसी से नौकरी को निकाल दो, यह भी तो इस देश में हुआ ना, नौकरी छीन ली, कह रहे हैं बाबा साहब का नाम मत लो, ये वैचारिक क्रांति मत करो। एक देश, इस देश में महात्मा कहते हैं जिसे, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी बाबा साहब से यही शिकायत की थी, अंग्रेजों को भगाओ, इस देश में सामाजिक बदलाव की बात क्यों करते हो। और वो लड़ाई लड़ी उस दौर के महात्मा से, हमारे मसीहा ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, लेकिन फिर भी उसे गोली नहीं मारी थी। पूना पैक्ट हो गया, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया ना, आज भी खड़ा किया जा रहा है ना। हमारे ही कुछ लोग उधर भी बैठे हैं ना, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सरकार बनती है तो स्टूल मिलता है,
नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाएंगे, नहीं मिलता है कुछ। हमारे यहां ओबीसी समाज का व्यक्ति 10 साल के बच्चे का पैर धुल रहा है और राष्ट्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और 10 साल के बच्चे का पैर धुल रहे हो थाली में। ये तुम्हारी सामाजिक हैसियत बना दी गई है? ये मानसिक गुलामी नहीं है तो क्या है? तो वो काम जो इन्होंने किया, आज एक काम करना कितना मुश्किल है। हमारे पुरखों ने उस जमाने में जब ये लड़ाई लड़ी तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आगरा में दलितों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करा दिया गया और उनसे ये कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता ही नहीं है। दलित समाज के तमाम लोगों को खड़ा कर दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को कमजोर करो, डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाए। फिर भी वो ऐसे नेता नहीं थे कि चुनाव हार गए। तो आज जैसे लोग कहते हैं यूपी बिहार में बहुजनों की पार्टियां चुनाव हार गई, तो कुछ लोग इस गुमान में घूमते हैं कि अबे दलितों पिछड़ों आदिवासियों का कुछ नहीं होगा, हमने इन्हें मिटा दिया है। अरे हम पॉलिटिकल पार्टियों के मोहताज थोड़ी हैं, नए नेता पैदा करेंगे, नई पार्टी पैदा करेंगे, 85% लोग फिर से इस देश में राज करेंगे। हाँ थोड़ा ट्रांजिशन का फेज आया है, हमारे लोग कुछ उधर चले गए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के भी खिलाफ चले गए थे। जंगल में लकड़ियां काटने वाली कुल्हाड़ी का साथ जंगल के लकड़ियों ने इसलिए दे दिया कि उनको किसी ने समझा दिया कि इस कुल्हाड़ी की जो मूठ है उसमें लकड़ी तो हमारे आपके बीच की है, और लकड़ियां जंगल में कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई, जंगल तबाह हो गया, लकड़ियों को अपना वजूद बचाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे आपके बीच के कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम वहां जाकर ले रहे हैं जहां डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत तबाह किया जाए, वो काम हो रहा है। उन कुल्हाड़ी में लगी मूठों को पहचानिए, सारे जय भीम बोलने वाले आपके अपने लोग नहीं है। रंगे सियार का एक किस्सा आपने सुना है, बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, और आपने बुलाया है तो बोलूंगा भाई, मीठी बात बोलने के लिए बुलाया था तो किसी और को बोलते। एक सियार जो है शहर में गया तो नीले रंग के टब में गिर गया और नीला हो गया। जंगल में लौटा तो सब लोग पहुंचे, कहे ये क्या है, तो जाके कहने लगा मैं धरती पर अवतार हूं भगवान का, मैं तुम्हारा नेता हूं। और सारे सियारों को कहने लगा कि मैं जंगल का राजा हूं और मैं तुम्हारा ये हूं वो हूं, और सबको एक जगह के जुल्म जाति करने लगा। सभा बुलाई और अचानक उसी में बारिश हो गई, उसका रंग उतर गया और सियारों ने देखा कि ये तो अपना ही था और ये रंग गया था, और उसे दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाया। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन सच बात है, रंग अगर नीले को चढ़ाना है तो लिबास पर, चेहरे पर नहीं, दिल में रंग चढ़ाइए, ताकि कितने भी बुरे वक्त में कोई अंबेडकर के खिलाफ आपसे एक काम ना करा पाए। SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट आया ना, इन्हीं के काल में आया था ना, जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इस देश में दलितों के साथ इतना अपमान हुआ कि कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते थे, उनकी महिलाओं के साथ अपमान हो तो वो जाके किसी से कह नहीं सकते थे, और कहने गए तो उन्हें अपमानित करके भगाया गया। दोबारा इस समय उत्तर प्रदेश वालों कड़वी बात पूछ रहा हूं, क्या इस समय आपकी थाने में सुनवाई हो रही है? थाने में आपकी सुनवाई हो रही? कैसे कैसे लोग हैं, अभी आज मैं यहां आपके सामने खबर पढ़ रहा हूं, आपके कानपुर के पड़ोस के जिले में एक ओबीसी महिला जो पुलिस विभाग में थी, अपने ही सवर्ण कर्मचारी से इतना अपमानित हुई कि आज उसने आत्महत्या कर ली। ये इसी प्रदेश में हो रहा है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि राम राज्य बन गया है। किस बात का राम और किस बात का राज? हम आपसे कहने आए हैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह में कि देखो हम अपना राम तुम अपने पास रखो, ये राज हमारा था हमारा है और इस राज को हमें वापस दे दो, हमारी लड़ाई इसकी है, राम की लड़ाई नहीं राज की लड़ाई। अब कैसे वो लड़ाई है ये बात कह रहा हूं आपसे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस बात की लड़ाई लड़ी? वो लड़ाई थी, उन्होंने जो अपना दूसरा गुरु बनाया था वो कबीर थे, कबीर दास। उन्होंने लिखा उस जमाने में, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से मेरा संदेश और मेरा निवेदन आपसे है। हम आपको इतनी तादाद में है साथियों, आज ये बात याद करने की है कि आज हमें डराया जा रहा है कि UAPA लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे। जिस दौर में अंबेडकर, फूले पेरियार, कबीर, रैदास लड़े, वो तो अकेले थे फिर भी नहीं डरे। हम तो इतने लोग हैं, क्या उनके डर से चुप हो जाएंगे क्या?
कबीर के साथ कोई मजमा चलता था क्या? लेकिन अकेले क्या लिखा? काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन रा न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।